मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं जामिया में पढ़ती हूँ। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो अभी घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एवरी वन इज लीविंग बिकॉज व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज रियली ट्रॉमेटिक। इट शुडंट हैव हैपेंड। दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड हाउ डेयर दे डू दिस टू अस। दे वैंडलाइज्ड आवर, आई डोंट हैव वर्ड्स। They went into our library, they went inside our hostels, they've beaten up students, they've beaten up our guards, they've beaten up our teachers. Everyone has been just been crying, we're hurt. Because this place is like a home to us. I've been living in this place for 2 years. Several people have been living in this place for several years. I've been studying here, we come here daily, we're here. And the thing that happened yesterday, that brutality, the way they did it, I don't know how you do that to human beings. And the protesters were extremely peaceful. We have video proofs of that. We've already shared it to every media house that we could. It was really hard. Where do we go now? They've done this to us. So what was the response of the authorities? The authorities were really supportive. They've helped us a lot. But they're helpless. What do you do with people who've got pellet guns, who've got lathis and everything, and they're just firing on anyone and everyone possible? They don't care. They even hurt some media people. Matlab, they're not seeing who is it. They've gone mad. So this decision to go home, was it a collective decision, or you decided, or many other students are going? We don't have any other option. This place is not safe anymore. This place, Delhi, is not safe anymore. India is not safe anymore. Where do we go? They burned down Kashmir. They burned down Assam. They're burning down Jamia and AMU both. What do they burn down next? Where do we go? And it's not just Muslims. It's every person in this freaking country. Where do we go? This is our motherland. Matri Bhumi. We've been born here. जी, मैं यहाँ पर एक हॉस्टल में रह रही हूँ और मैं जामिया के स्कूल में पढ़ती हूँ। और हम देख सकते हैं कल कैसे दिल्ली पुलिस आकर के कैसे बच्चों को बिना रीज़न के हर कुछ कर रही थी। और इनफैक्ट हॉस्टल में घुस करके बच्चों को निकाल कर पीट रही थी। दिस इज़ टू मच। एंड इवन हम देखें कि हम गर्ल्स हॉस्टल में, वी आर नॉट सेफ देयर, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि हम अपने घर चले जाएँ। तो ये क्या हो रहा है? मतलब हम हॉस्टल में रह कर भी सेफ नहीं है और हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप घर चले जाएँ। सो दिस ऑल मीन कि हम खुद सेफ नहीं हैं जामिया के कैंपस के अंदर। और कुछ मतलब पुलिस के, आई एम वेरी अगेंस्ट जो पुलिस ने किया है कल। पूरी इंडिया उनके अगेंस्ट है। एंड आई शुड से कि उनके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। एंड और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांत था। एंड इवन मैं भी थी प्रोटेस्ट में, आई कैन क्लेम दिस। मैं कल प्रोटेस्ट में थी और मैंने खुद देखा हर कुछ शांति हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी शाम में कुछ बाहर के लड़के आकर इन सब चीज़ों को कुछ ये कर दिया। और इसमें सारा ब्लेम जा रहा है जामिया के ऊपर। वी डोंट नो क्या हो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको सपोर्ट मिला था जब ऐसा लगा था कि हालात मतलब ख़राब होने वाले हैं पुलिस के आगे, तो आपने क्या करा था जब ऐसा हुआ था? जी एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ कि मैं कहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ नहीं दिया था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को कैंपस के अंदर तक पीटा गया है। सो वी कैन सी कि यहाँ उनका कोई हाथ ही नहीं है। एंड अगर बात करें वीसी की, देन आई शुड से कि उनका कोई हेल्प था ही नहीं हमारे लिए। सो आई मस्ट से कि उनकी वजह से ही शायद ये सब कुछ हुआ है। और कैंपस के अंदर पुलिस कैसे घुस सकती है फोर्सफुली, ये है। सो ये मेरा कहना है। तो अभी आपको क्या, आपके घर में मतलब आपके पेरेंट्स घबराए हुए हैं, उन्होंने आने को कहा है, या आपने खुद डिसाइड किया है कि जाने की वजह क्यों हुई? बिल्कुल, अगर एक्चुअली हमने बताया भी नहीं, ये बात इतनी मतलब फैल गई है कि देविन कॉल्ड अस कि तुम घर आ जाओ। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो अब वही हो रहा है कि अब घर पे बहुत शब्द को मालूम चल गया है। दे वर सो टेंस्ड अबाउट इट एंड हमें जाना पड़ रहा है घर। सो ये हमारी मजबूरी भी है एक तरह से। आप क्यों जा रहे हैं? जी मुझे डर लग रहा है, घर से भी कॉल आ रहा है कि जल्दी जितना जल्दी हो सके हॉस्टल खाली करके चलाओ। और मैं कल जिस टाइम ये सब हो रहा था, तो मैं बाहर मार्केट गया हुआ था। कुछ नसीबी से मैं मार्केट में था, इसलिए मैं वहाँ से अपने दोस्त के घर चला गया। फिर देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा, हॉस्टल वाले बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। रात को मतलब पुलिस हॉस्टल के मस्जिद तक पहुँच रही थी, वहाँ से भी एक दो लड़के को उठाया था। अब वो बच्चे को वो रात को 3:30 बजे छोड़ा है। और अभी भी हमारे वार्डन भी हॉस्टल में आके बोले कि जितना जल्दी हो सके हॉस्टल खाली कर दो, अपने घर चले जाओ, वहाँ सेफ रहोगे। यहाँ सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है।
आपकी किसी, आप तो कह रहे हैं आप बाहर थे, आपके कोई दोस्त? जी मेरा क्लासमेट फंसा हुआ था, वो मेरा क्लासमेट रीडिंग रूम में पढ़ रहा था, वो रोज़ रीडिंग रूम में पढ़ता, मैं भी उसके साथ पढ़ता, लेकिन कल मुझे कहीं जाना था तो मैं चला गया, वो बेचारा फंसा रह गया। तो वो उसने बताया कि पुलिस अंदर आई, टीयर गैस पूरा छोड़ा, वो बच्चे लोग अपने सेफ्टी के लिए गेट वेट बंद करके रखे थे डेस्क से, लेकिन वो लोग शीशा वीशा तोड़ के अंदर चला गया और सबको पकड़ के मारा भी और उन लोगों को पुलिस थाने ले गया, उसके भी पैर में चोट लगी। प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट रहा है? प्रशासन की तरफ से कल तो कोई सपोर्ट नहीं रहा है उन पे, जब प्रेशर बना, जब यहाँ के कुछ लोकल मतलब नेता वगैरह वहाँ से जब वो लोग गए तब वो लोग छोड़ा, नहीं तो वो लोग छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वहाँ किसी रिलेटिव को भी जाने नहीं दे रहा था, वकील को भी अंदर नहीं जाने दे रहा था, अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ कुछ नहीं पता। मेरे दोस्त का फ़ोन भी छीन लिया पुलिस ने। और उन्होंने बच्चों को बेतहाशा मारा है, सो या जामिया का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड स्टूडेंट्स आर लीविंग द कैंपस और वो बस चाह रहे हैं कि यहाँ से सेफली निकल जाए, बिकॉज एंड यू नो द ये आईरोनिकल पार्ट इज़ कि जामिया हमारा घर है, हमारा कैंपस है एंड वी आर लीविंग दिस प्लेस क्योंकि वी आर फीलिंग कि वी आर अनसेफ एट दिस प्लेस, गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। सो या वी आर द पुलिस, हु गेव द पुलिस द पावर टू यू नो जस्ट माई पेरेंट्स वर वॉचिंग टेलीविजन एंड दे गॉट टू नो ऑल दैट एंड मेरे नंबर पे कॉल्स पे कॉल्स आने लगी कि आर यू फाइन, सब सही है कि नहीं जामिया में, आर यू सेफ। तो मेरे माई पेरेंट्स वर थैंकिंग अ लॉट, आई डिडंट स्लीप द होल नाइट एंड आई वॉज आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस में घर आई का ही हॉस्टल और फिर यहाँ पे जो मेरे दोस्त यहाँ पे थे वो लोग बस मुझे बोल रहे थे कि तुम वापस मत आओ, यहाँ पे बहुत बुरा सीन हो रहे हैं, पुलिस इज ट्राइंग टू एंटर द गर्ल्स हॉस्टल। तो बहुत ही बुरा सीन था एंड प्रॉपर क्या होता है कि पेरेंट्स से वो नंबर से कॉल करने वाले हैं और अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होते हैं बट दे आर अलाउिंग गर्ल्स टू लीव राइट नाउ और फिर वो बाद में हम मैसेज कर सकते हैं अपनी बॉडी को कि वी आर लीविंग।